हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महक फातिमा चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में पर्सनल और ऑफिशियल लेटर्स के फॉर्मेट को सिखाऊंगी। इससे पहले हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पर्सनल लेटर बोर्ड एग्जाम में 10th के ज़रूर आएगा, वो 4 मार्क्स हो गए नहीं तो 5 मार्क्स के लिए ज़रूर आएगा। पर्सनली ऑफिशियल में 2 ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कोई भी एक चूज कर लिख सकते हैं। मुझे ये सब कैसे पता है, मतलब मैंने भी 10th का एग्ज़ाम दिया है इसलिए मुझे ये फॉर्मेट पता है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इस वीडियो को देखकर इस फॉर्मेट को आसानी से सीखेंगे। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पर्सनल लेटर के बारे में स्टार्ट करेंगे। पर्सनल लेटर हम उनको लिखते हैं जिन्हें हम रिलेटिव्स जैसे फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, फ्रेंड्स, मॉम, डैड, जिनको लिखने वाला लेटर को पर्सनल लेटर कहते हैं। इसमें हम हमारा नेम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे रिलेटिव्स और हमारे फैमिली मेंबर्स को हमारा नाम ऑलरेडी पता होता है। अब हम लेटर लिखने का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। आप डेट जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उस डेट लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ XX लिख दूंगी। आपको जो भी डेट मेंशन करना हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखूंगी। फर्स्ट लेफ्ट साइड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाई स्कूल, पहले स्कूल का नाम, उसके बाद कॉमा। कॉमा ये इंडिकेट करता है कि अभी बाकी है लिखने के लिए। तो ये गवर्नमेंट स्कूल कहाँ पर है, हम लेंगे अतिबेले। तो अतिबेले। अब हम जिनको लिख रहे हैं उनके नेम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे कि जो उनको पसंद आए वैसे नेम्स हम मेंशन करेंगे। तो अतिबेले के बाद एक लाइन स्किप करें, एक लाइन। नेक्स्ट मैं अपने मॉम को लिख रही हूँ लेटर, तो उनको मैं डियर मॉम रिप्रेजेंट करूँगी। तो डियर मॉम, इसके बाद कॉमा। हम जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं हमें मार्जिन से कंटिन्यू करना है, वो भी लेफ्ट साइड के। हम कुछ भी नहीं लिखेंगे सिवाय डेट के राइट साइड पर। तो डियर मॉम के बाद एज यूजुअल आई एम वेल एंड विशिंग द सेम फ्रॉम यू। आई एम वेल एंड विशिंग द सेम फ्रॉम यू। यू इसके बाद हमें जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर लिखकर हम पर्सनल लेटर में थैंकिंग यू नहीं लिख सकते। ये पर्सनल लेटर में, स्पेशली इंग्लिश के पर्सनल लेटर में यह अलो नहीं है। तो हम कुछ रिगार्ड्स लिखेंगे, जैसे कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर फादर, ब्रदर, सिस्टर, जैसे हम कन्वे रिगार्ड्स करेंगे उन, इसका मतलब है कि हम उनको कहेंगे हमारे रिगार्ड्स हमारे डैडी तक पहुंचा दीजिए। सो इसके बाद एक लाइन स्किप करें, लाइन स्किप करें और लिखेंगे कन्वे माय रिगार्ड्स टू डियर फादर और डियर डैड। और इसके बाद हम फिर से एक लाइन स्किप करेंगे और इसके बाद लिखेंगे योर
यानी आप योर लविंगली लविंगली आपका नाम, जैसे मेरा नाम है महक। यहाँ पर हमारा पर्सनल लेटर ख़त्म हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट, अगर आपको अलो किया जाए डेट लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, और नहीं अलो किया जाए तो आप मत लिखना। मेरे लेटर के हिसाब से मैंने डेट मेंशन किया था। तो अब हम फर्स्ट हमारा नाम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फैमिली को, सबको हमारा नाम पता होता है, इसलिए हम नेम नहीं मेंशन करेंगे। हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नेम मेंशन किया है, जो कि अतिबेले में है। इसके बाद हमने अतिबेले के बाद फुल स्टॉप दे दिया है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ था। इसके बाद एक लाइन स्किप करें, आप जिनको लिख रहे हैं उनको डियर मॉम, डियर डैड, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनका नेम मेंशन कीजिए। इसके बाद आई एम वेल एंड विशिंग द सेम फ्रॉम यू, इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। इसके बाद आपको जो विषय दिया जाए, यानी जो टॉपिक दिया जाए, आप उसके बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन स्किप कर आप अपने थैंकिंग यू नहीं लिख सकते। थैंकिंग यू पर्सनल लेटर में नहीं लिखा जाता, इसलिए आप अपने रिगार्ड्स को लिखेंगे, जैसे कि कन्वे माय रिगार्ड्स टू डियर फादर। ऐसा लिखकर आप एक लाइन को स्किप करेंगे। उसके बाद आपका नाम, योर लविंगली महक, मैंने अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, जो कि आपको वही मेंशन करना है, आप अपना नाम नहीं लिख सकते बोर्ड एग्ज़ाम में। ये सिर्फ वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ ऐसे लिखेंगे। तो अब हम हमारा ऑफिशियल लेटर स्टार्ट करेंगे। ऑफिशियल लेटर का मतलब ये है कि फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन्स, रिलेटिव्स, इनको सबको छोड़कर जो हम स्कूल के लिए, यानी न्यूज़पेपर के लिए जो भी लेटर लिखेंगे ऑफिशियली, वो उनको ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं। ऑफिशियल लेटर में हमें हमारा नाम मेंशन करना मस्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम कौन हैं, और उनको जिस विषय के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनका नेम भी मेंशन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम हर एक लेटर में हमें मार्जिन से ही स्टार्ट करना है। ऑफिशियल लेटर में अपना नाम लिखिए, पहले अपना नाम। तो मैंने मेरा नाम लिख लिया, महक। मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ, जिस क्लास में पढ़ रही हूँ, और वो स्कूल किस जगह पर है, ये सभी डिटेल्स हमें मेंशन करने हैं। मैं अभी लूँगी 10th standard, जो हम 10th standard को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, 10th standard का हम फुल स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, 10th standard। अगर आप CBSE हो तो आप CBSE लिख सकते हैं, स्टेट हो तो स्टेट लिख सकते हैं, और ICSE हो तो ICSE भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपना नाम और अपना क्लास मेंशन कर दिया है, और अभी मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ उस स्कूल का नाम, मैं श्री शारदा स्कूल में पढ़ रही थी, श्री शारदा हाई स्कूल। जैसे मैंने आपको पिछले लेटर में बताया था, पर्सनल लेटर में आप जब तक कोई डिटेल्स करेक्ट नहीं दे सकते तब तक आपको कॉमा लगाना होगा। तो मैंने अपना नेम के बाद कॉमा लिया, क्योंकि अभी मैं 10th standard पढ़ रही हूँ, उसका भी डिटेल मुझे देना था। 10th standard के बाद मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ उसका डिटेल, तो अब लास्ट में हम किस जगह वो स्कूल है और किस स्कूल में हम पढ़ रहे थे। अतिबेले, स्कूल अतिबेले में है, अतिबेले। अतिबेले के बाद यहाँ पर मेरी डिटेल्स, यानी आपकी डिटेल्स कंप्लीट हुई, आप यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे।
तो अब हम किसके लिए लिख रहे हैं लेटर? मैं इस लेटर को हमारे हेडमास्टर के लिए टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में लिख रही हूँ। तो इस लेटर में मेंशन करूँगी हमारे हेडमास्टर का नेम। आप चाहें तो अपनी करंट सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सिटी का नाम है बेंगलुरु। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आप जिनको ये लेटर लिख रहे हैं उनका भी डिटेल्स आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो मैं हमारे डिटेल्स के बाद आपको एक लाइन स्किप करना होगा। ये लाइन स्किप करने के बाद आपको, आप जिनके लिए ये लेटर लिख रहे हैं उनका नाम, टू के बाद कंटिन्यूएशन कॉमा द हेडमास्टर, यानी हमारे हेडमास्टर के लिए हेडमास्टर, वो जिस स्कूल में हमें पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम, जैसे श्री शारदा हाई स्कूल, शारदा हाई स्कूल, स्कूल। इसके बाद फिर हम कंटिन्यूएशन के लिए कॉमा मेंशन करेंगे। अब ये जिस जगह पर है यानी अत्तिबेले बेंगलुरु, कंटिन्यूएशन के लिए कॉमा बेंगलुरु। इसके बाद हमारे जिनको हम ये लेटर लिख रहे हैं उनके लेटर के बाद डिटेल्स के बाद एक लाइन स्किप करें। स्किप को ये मार्क्स इंडिकेट्स करते हैं। इसके के बाद आप सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के पहले आपको रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आपके हेडमास्टर सर हो तो सर, मैडम हो तो मैडम, सो रेस्पेक्टेड, हिंदी में कहें तो आदरणीय सर और मैडम, आर मैडम। इसके बाद एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है कि आप ये लेटर किस वजह से लिख रहे हैं, किस टॉपिक की वजह से आप ये लेटर लिख रहे हैं। से हम सब्जेक्ट के तौर पर इंडिकेट करेंगे, जो कि सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्टिंग फॉर टीसी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ टीसी के लिए नहीं लिखा जाता ऑफिशियल लेटर। कई विषय, कई टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए आपको ऑफिशियल लेटर भी लिखना होगा और पर्सनल लेटर भी लिखना होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिलेट कर उस टॉपिक को एक्सपैंड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, इसे आप फॉर्मेट, अगर आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप आसानी से अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। तो रिक्वेस्टिंग फॉर टीसी हो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको सिर्फ ये लिखना है कि अगर आपकी डायरी का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो आपको अपने फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए टीसी चाहिए होती है यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होती है आपकी फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए आप ये लेटर अपने हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करने के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके डैडी को ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे आपकी डैडी का एक कंपनी में वर्क कर रहे थे और उनको दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। आपके डैडी रोज़ मैसूर से बेंगलुरु, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेंगे तो मैसूर बेंगलुरु थोड़ा डिस्टेंस में है, वो डेली अप एंड डाउन नहीं कर सकते, यानी आ जाकर उनका बहुत वक्त वेस्ट होगा। इसलिए वो, आप लोग सोच रहे हैं कि आप वही शिफ्ट हो जाएं, इसलिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आप अपना फ्यूचर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर टीसी चाहिए होता है हो तो आपको ये लेटर लिखना होगा। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी हमें यही टॉपिक
दिया गया था आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट को हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि यही अगर आपको टॉपिक समझा दूँ तो आपको थोड़ी आसानी होगी। तो बॉडी ऑफ द लेटर मैंने ओरली बोल दिया है, अगर लिखेंगे तो बहुत वक्त वेस्ट होगा, हमको वक्त बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो बॉडी ऑफ द लेटर के लिए मैं ऐसा बॉक्स डाल दूँगी जिसमें जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया आप उसे अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। इसलिए अगर बॉडी ऑफ द लेटर के बाद एक लाइन स्किप कर कर आप उनको एक लाइन में अपनी बॉडी ऑफ द लेटर के बाद, जैसे मैंने आपको कहा, एक लाइन स्किप कर कर आप उनको थैंकिंग यू लिख सकते हैं, थैंकिंग आप थैंकिंग यू लिखकर एक लाइन को स्किप करेंगे, स्किप कर आप अपना नाम मेंशन करेंगे। फिर से एक बार आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि योर ट्रूली या ओबीडियंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, जो रिलेटेड होना चाहिए, जैसे लविंगली, ये सब वर्ड नहीं यूज़ किया जाता ऑफिशियल लेटर में। तो मैंने यहाँ लिख दिया योर ट्रूली महक फातिमा। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल लेटर का भी फॉर्मेट ख़त्म हुआ। मैं आपको फिर से एक बार ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट समझाऊंगी, आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। ऑफिशियल लेटर में आपका नेम मेंशन होना चाहिए, आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल किधर है और उसकी सिटी का नाम क्या है। तो आप जिनको ये लेटर लिख रहे हो, मैंने अपने हेडमास्टर को लिखा है, जो भी वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं हमें, वो स्कूल का नाम, वो जिस जगह पर है और उसकी करंट सिटी क्या है। तो हम रेस्पेक्टेड सर और मैडम से स्टार्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि आपको अपने डिटेल्स के बाद एक लाइन स्किप करना होगा, अपने टीचर के या अपने जो भी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं उनके डिटेल्स के बाद आपको एक लाइन स्किप कर आपको रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, इस लेटर में मैंने अपने TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अपना लेटर लिखा है। आप जो भी विषय हो, यानी आपको फीवर हो या आपको कोल्ड हो या इलनेस हो, जिस विषय के बारे में भी आप लिख सकते हैं, और आप ऑफिशियल लेटर न्यूज़पेपर वालों के लिए भी लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आपको एक लाइन स्किप करना है, उसके बाद आपको थैंकिंग यू कहकर फिर से एक लाइन स्किप कर यू आर ट्रूली ओबीडियंटली आप जो भी लिखना चाहेंगे वो लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पर ऑफिशियल और पर्सनल लेटर दोनों भी कंप्लीट फॉर्मेट के साथ वीडियो बनाया गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल और ऑफिशियल लेटर दोनों भी करेक्ट फॉर्मेट के साथ मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के कौन से भी कॉन्सेप्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो के बारे में अपलोड करती रहूँगी वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैंने पहले भी बताया था, ये लेटर जो भी 10th क्लास पढ़ रहे हैं और या पढ़ने वाले हैं उनके लिए लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपलसरी ज़रूर आएगा, 5 marks या 4 marks के लिए तो कंपलसरी होगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।